हेलो स्टूडेंट्स, SCS एग्जाम पंडित नेकीराम शर्मा, इम्पोर्टेंट टॉपिक द एमिनेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ हरियाणा 1887 टू 1956, कुष्मांडा IAS SCS एकेडमी। जैसा आप जानते हो, सबसे ज़्यादा रिजल्ट है हमारा SCS एग्जाम में। ही वॉज बोर्न 7 अक्टूबर 1887 एट केलांगा विलेज ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट। रोहतक से बिलोंग करते थे आपके नेकीराम शर्मा। और ही एम्ब्रेस द रिवोल्यूशनरी आइडियाज। शुरू में रिवोल्यूशनरी आइडियाज उनमें थे, और सरदार अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद से काफ़ी प्रभावित थे। और तो ही एम्ब्रेस द रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ सरदार अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद एंड ट्राई टू मीट दैम, बट In 1908, he went to Calcutta with a view to learning the techniques of bomb making, where he happened to meet Surendranath Banerjee, a great moderate who tempered his revolutionary thinking with moderate ideas. तो वो कौन थे जिन्होंने नेकीराम शर्मा की क्रांतिकारी विचारों को उदारवादी विचारों में बदल दिया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सवाल पूछा जा सकता है, अपने आप में एक क्वेश्चन है। और फॉर द फर्स्ट टाइम नेकी वॉज शॉट इन टू लाइमलाइट ऑन 9 फेब 1917 व्हेन ही एड्रेस द पब्लिक मीटिंग एट बॉम्बे। ही इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई महात्मा गांधी एंड वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाई तिलक। तो कंपेयरिंग द सेटेलाइट ऑफ हिस कंट्री विद दैट द द्रौपदी, नेकी मेड सच ए पैशनेट स्पीच That even moved तिलक to tears। तो वह स्पीच जिससे तिलक को रुला दिया, किसने दी थी बॉम्बे में? नेकी राम शर्मा ने। सवाल भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ऑलवेज रिगार्डेड तिलक एज रोल मॉडल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किसे अपना मॉडल मानते थे? ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट जो कि बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, उससे भी एसोसिएटेड थे। 1918 फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ नेकी अलोंग विद आसफ अली वाज अरेस्ट। कब पहली बार अरेस्ट हुए पूछा जा सकता है, कौन सा ईयर था? तो पहली बार 1918 में अरेस्ट होते हैं, और उन पर धारा 144 लगाई गई थी इंडियन पिनल कोड की, और पब्लिक मीटिंग एट दिल्ली। होम रूल मूवमेंट की बात हम पहले कर चुके हैं। अभी डिप्टी कमिश्नर रोहतक कॉल्ड हिम एंड मेड द फॉलोइंग ऑफर, यू शैल गेट 25 मुरब्बा लैंड। 25 मुरब्बा लैंड देने का वादा डिप्टी कमिश्नर ऑफ रोहतक ने पंडित नेकीराम शर्मा से किया था, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। नेकीराम रिप्लाइड, यू आर टॉकिंग ओनली ऑफ 25 मुरब्बाज ऑफ लैंड, द होल ऑफ इंडिया इज माई ओन लैंड एंड वन डे यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ इट। ये जवाब था। पूछा जा सकता है कि इस तरीके का स्टेटमेंट रोहतक के कमिश्नर को दिया था किसने? तो नेकीराम शर्मा बन सकता है एक सवाल यहाँ से। और टू इंटेंसिफाई हिज एक्टिविटीज, नेकी शिफ्टेड हिज फैमिली फ्रॉम केलंगना टू भिवानी। तो वहाँ से रोहतक से भिवानी शिफ्ट कर गए 1920 में। और उसके बाद एक हैं आपके नान करण दास, जिन्होंने उन्हें रेंट पर अपार्टमेंट दिया था। तो लाला नान करण दास रेंट आउट एन अपार्टमेंट ऑन हिज ऑफिस हाउस टू नेकी, बट वॉज सोन कंस्ट्रेंड टू गेट वेकेटेड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हरेसमेंट बाई ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो खाली कराना पड़ा उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स के दबाव में। वेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, ही अप्रोच महात्मा गांधी एंड रिक्वेस्टेड हिम टू विजिट हरियाणा। गांधी हु हैड ऑलरेडी बीन मच इम्प्रेस्ड विद सेक्रीफाइसिस ऑफ नेकी रेडीली कंसेंटेड। अकॉर्डिंगली गांधी अकम्पेनाइड बाई मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, स्वामी सत्यदेव
and Mrs. Kasturba Gandhi reached Bhiwani, October 1920. To address the Ambala Division conferences, more than 60,000 people could be seen swarming at Bhiwani to receive them. Bhiwani was once again visited by Gandhi along with Lala Lajpat Rai, Maulana Azad, Lala Pyarelal. तो वो आपकी डेट थी ये 1921. तो क्वेश्चन बन सकता है कि दोबारा गांधी जी ने भिवानी कब विजिट किया. टू एड्रेस द हरियाणा रूरल कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1920 ही एड्रेस द स्टूडेंट्स ऑफ रोहतक. भिवानी इसार रेफरिंग टू द ओल्ड शास्त्रास एंड पुराण ही अपॉइंटेड आउट दैट हाउ इवन इन एंशियंट टाइम द यंग स्टूड फॉर कॉज ऑफ राइटनेस एंड ट्रूथ. On 30th November 1920, Nekiram addressed the public meeting at Hisar, and in which he asked the electorate and contestants to boycott the ensuing elections to assembly and provincial councils. So, question यहाँ पर बनता है हिसार में कि 1920 में कहाँ पर public meeting में उन्होंने ये बात कही, तो हिसार में. In accordance with the resolutions, Lala Hari Krishna Dutt withdrew from rural constituency. तो लाला हरी कृष्ण दत्त थे जिन्होंने उनके कहने पर विड्रू कर लिया अपनी रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से. ऑन द ईव ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट टू इंडिया इन नवंबर 1921, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इंडिया आना था. नेकी वॉज एसोसिएटेड विद प्रोग्राम ऑफ हड़ताल लॉन्च बाई कांग्रेस टू फॉइल द प्रिपरेशन फॉर द रिसेप्शन ऑफ द रॉयल गेस्ट. द प्रिंस ऑफ वेल्स लैंडेड टू बॉम्बे at on 17 November 1921, and the royal procession was cheered by a crowd of Europeans, Eurasian, Parsis and the affluent section of Bombay. तो वे लोग थे जिन्होंने वेलकम किया बॉम्बे में प्रिंस ऑफ वेल्स को. अनफॉर्चुनेटली द स्वेलिंग मॉब टर्न्ड वायलेंट एंड बर्न्ट ट्राम कार्स मोटर सेवरल लिकर शॉप्स एक पारसी टेम्पल भी जला दिया गया. एक्सट्रैक्टर नहीं करे वर्क हार्ड इन हेल्पिंग द विक्टिम्स ऑफ द डे. तो काफ़ी जो है उन्होंने जो विक्टिम्स थे तो उनकी मदद करने की कोशिश की. और गांधी जी सेठ पंडित नेकीराम शर्मा वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सेविंग प्रीसियस लाइव वैन ऑन 17th instant liquor shop was reduced to ashes in Bhindi Bazar, Bombay. तो ये statement किसका था नेकीराम शर्मा के लिए. तो ये statement गांधी जी का है. तो ये question भी यहाँ से बनता है, पूछा जा सकता है. When he reached Bhiwani, he was arrested for his speech Lahore and brought to Lahore. नेकीराम prosecuted under section 153A, the Indian Penal Code, in court of justice. मुहिर हुसैन उन जज का नाम क्या था मुहिर हुसैन एंड वॉज सेंटेंस टू 8 month रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑन 28 नवंबर 1921. तो जो जस्टिस है इनका नाम पूछा जा सकता है. नेकी वॉज कैप्ट इन द सेंट्रल जेल लाहौर. लाला लाजपत राय क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स एटीट्यूड रिगार्डिंग नेकी राम्स कन्विक्शन एंड ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ हिज लीडिंग पार्टिसिपेशन इन सॉल्ट सत्याग्रह. नेकी वॉज कन्विक्टेड सेंटेंस टू 6 months एंड इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन 200 rupees टू ब्रीच द सॉल्ट एक्ट. तो सिविल डिसोबीडियंट ये सॉल्ट सत्याग्रह में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था नेकीराम शर्मा ने. और आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट नेकी रिलीज. तो गांधी इरविन पैक्ट जो दिल्ली में हुआ था उसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया. Under the picketing ordinance, he was arrested on 19 January 1932 and was sentenced to 3 years imprisonment and was sent to Multan jail. तो पूछा जा सकता है आपका मुल्तान जेल पर क्वेश्चन आ सकता है ऐसे. But he was released on 30th April 1932 and rearrested on 1932 May 1932 and he was sentenced 2 years imprisonment and was again sent to the Multan jail. During individual satyagraha,
इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी पंडित नेकीराम शर्मा ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की, और इन अक्टूबर 1948 ही वॉज सेंटेंस टू 18 मंथ इम्प्रिजनमेंट, 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई उन्हें। और ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट नेकीराम वॉज अरेस्टेड एट भिवानी। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ से गिरफ्तार किया गया? भिवानी से, अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, एंड वॉज सेंटेंस्ड टू 2 ईयर्स, 2 साल की सजा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑन 15 अगस्त 1942, एंड ही वाज सेंट टू शाहपुर जेल। एक क्वेश्चन ये आएगा आपका कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर उन्हें कौन सी जेल में भेजा गया? तो इन 1945 ही टूर सेवरल प्लेसेस अलोंग विद जवाहरलाल नेहरू एंड कलेक्टेड मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ आईएनए के लिए भी, के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए भी नेकीराम शर्मा का कंट्रीब्यूशन हमें नजर आता है। नेकीराम वॉज नॉट ओनली फ्रीडम फाइटर बट ए सोशल रिफॉर्मर, और ही अचीव सक्सेस इन एबोलिशिंग द बेगार प्रथा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि बेगार प्रथा, पंजाब में बेगार प्रथा को खत्म करने के लिए किसने ये मुहिम चलाई हुई थी? तो द गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु वर एडवर्सली इफेक्ट बाय द एबोलिशन ऑफ बेगार बिकेम सो जेलस ऑफ नेकीराम दैट दे स्टार्टेड डबिंग हिम ए बेदी राम। तो बेदी राम भी किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो बेदी राम आपका नेकी राम को, नेकी और बदी, बदी बुराई और नेकी अच्छाई होती है। इवन सर एडवर्ड मैकलेगाउन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विजिटेड हिसार 1921, मेट राम नेकी राम एंड फेलिसिटेटेड हिम ऑन हिज रिमार्केबल सक्सेस इन इरेडिकेटिंग बेगार प्रथा। नेकीराम ब्रेव द कोज ऑफ पुअर फार्मर्स ऑफ हरियाणा हु वर ग्रेव विक्टिम्स ऑफ फ्यूडल सेटअप। ही ऑर्गेनाइज द ऑप्रेस्ड पीजेंट्री ऑफ स्किनर स्टेट। तो किसानों के लिए भी काफी बढ़ चढ़ कर काम किया। इन कनेक्शन विद द किसान मूवमेंट ही वॉज अरेस्टेड, उसमें उनकी गिरफ्तारी भी होती है 29 अप्रैल 1930। अंडर सेक्शन 107 एंड 114 ऑफ इंडियन पिनल कोड। इन 1940 ही आस्क्ड टू यूनाइट द फार्मर्स एंड फ्लाइट फॉर द डिमांड ऑफ कैनाल फॉर इरीगेशन पर्पजेज। अल्टीमेटली भाखड़ा कैनाल, जो आपका भाखड़ा डैम बनाया गया है, तो इसमें भी हमें नेकीराम शर्मा जी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नजर आता है। तो वॉज डग विजिस विच इज स्टिल वॉटरिंग द थ्रस्टी लैंड ऑफ हरियाणा। तो नेकी रोट ए बुक टाइटल्ड शासन सुधार पर वीक्षा, तो ये इनकी बुक का नाम है जो इन्होंने लिखी, शासन सुधार पर वीक्षा। ठीक है। तो और इनका ही पब्लिश्ड ए हिंदी वीकली द संदेश फ्रॉम भिवानी विच मेड इट्स फर्स्ट अपेयरेंस ऑन 16 जुलाई 1924। आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।